अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है स्पेशलाइज्ड एजेंसीज ऑफ यूनाइटेड नेशन या एजेंसीज ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि हमारे जैसे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, उसमें से हमने कुछ ऑर्गन्स इसके बारे में पढ़ा, यूनाइटेड नेशन के कुछ ऑर्गन्स के बारे में। ठीक है, यूनाइटेड नेशन में 6 ऑर्गन्स होते हैं जैसे हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था। तो उसके बाद मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि हम यूनाइटेड नेशन के कुछ स्पेशल एजेंसीज भी होते हैं जो यूनाइटेड नेशन के जो मेन पर्पस है, यूनाइटेड नेशन का जो मकसद है उसको प्रमोट करने के लिए, ताकि उसमें आसानी हो। तो यूनाइटेड नेशन ने कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे स्पेशल फील्ड्स सेटअप किया गया है। तो यूनाइटेड नेशन का जैसे मेन मकसद क्या है, टू प्रमोट हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, फुल एम्प्लॉयमेंट एंड प्रॉपर कंडीशन फॉर सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो फॉर दिस पर्पस द यूनाइटेड नेशन हैज़ सेट अप नंबर ऑफ स्पेशल फील्ड्स। उन स्पेशल फील्ड्स में से सबसे पहले फील्ड जो हम पढ़ रहे हैं, यूनेस्को। ठीक है, यूनेस्को क्या है? यूनेस्को यूएनओ का एक स्पेशल एजेंसी है या एक इम्पॉर्टेंट एजेंसी है। जैसे यूनाइटेड नेशन का मेन यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन, ये जो एजेंसी है, ये कब सेटअप किया? इन 1946 में सेटअप किया गया था और इसका हेडक्वार्टर जो है एट पेरिस में है। और इस एजेंसी का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इस एजेंसी का मेन मकसद, मेन पर्पस क्या है? टू प्रमोट कोलेब्रेशन अमंग द नेशंस इन द फील्ड ऑफ किस में, एजुकेशन, साइंस और कल्चर। इन चीज़ों में जो है इनको प्रमोट करने के लिए, कोलेब्रेशन करना इनको सपोर्ट करते हैं यूनेस्को। ठीक है, और यूनेस्को जो है इट हैज़ ऑफिसेज इन 56 कंट्रीज़ अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में 56 इनके ऑफिस है। ठीक है, और ये जो है, अब जैसे मैंने आपको बताया, हम यहाँ पे शॉर्टली बताएंगे कि यूनेस्को का मेन मकसद जो है क्या है, टू प्रमोट दिस इन कोलेब्रेशन अमंग द नेशंस एंड द फील्ड ऑफ एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर। इन चीज़ों में जो है इनको प्रमोट करना यूनाइटेड नेशन का मेन मकसद है। ठीक है, जैसे नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास आता है WHO। और इसमें मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप जो जैसे कि यूनेस्को है, WHO है या यूनिसेफ है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये तीन चीज़ें जो है इम्पॉर्टेंट है, ये तीन एजेंसीज। तो इनके जो लोगोस है इसको भी आप लोग मतलब अच्छी तरह से अपने दिमाग में बिठा के रखेंगे, याद रखेंगे कि मतलब लोगो किस तरह दिखता है, ताकि कभी कभी लोगोस के ऊपर भी क्वेश्चन आता है आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट एजेंसी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को कब सेटअप किया गया? इन 1948 में। और इसका जो है, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यूनाइटेड WHO का मेन मकसद या मेन पर्पस क्या है? इम्प्रूविंग फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ। और इसके जो है हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा में। और WHO जो है हेल्थ को इस तरह से डिफाइन करते हैं कि कोई भी अगर हेल्दी पर्सन के, अगर हम हेल्थ को डिफाइन करते हैं तो WHO के क्या कहते हैं कि दिस नॉट जस्ट द एब्सेंस ऑफ डिजीज़, सिर्फ डिजीज़ का नहीं होना या उसके साथ साथ, मतलब एब्सेंस ऑफ डिजीज़ के साथ साथ क्या होना चाहिए, कंप्लीट फिजिकल एंड मेंटल जो है और सोशल वेलबींग, इन सब चीज़ों में जो है अच्छा होना चाहिए, तब जाके हम कह सकते हैं कि ये पर्सन जो है एक क्या है, एक हेल्दी पर्सन है। ठीक है, तो WHO का मेन मकसद क्या है बच्चे, कि इसका मेन मकसद और या इसका मेन जो है एम क्या है, या WHO सेटअप करने का मेन पर्पस क्या था करने का? तो इट हेल्प्स टू एरिडिकेट सेवरल डिजीजेस। ठीक है, ये क्या करते हैं, जो मतलब डिजीजेस, बहुत सारे ऐसे डिजीजेस जब आते हैं तो इसको एरिडिकेट कैसे करते हैं। ठीक है, और सेटिंग अप ऑफ चाइल्ड केयर सेंटर्स। ठीक है, ये क्या करते हैं, डिजीज़ को एरेडिकेट, बहुत सारे डिजीज़ को ख़त्म करने की कोशिश करने में मदद करती है, और चाइल्ड केयर सेंटर को इस्टेब्लिश करने या सेटअप करने के लिए करने में कोशिश करते हैं। ठीक है, और
जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने अभी आप लोगों को बताया कि अर्टिकेट सेवरल डिजीज़ में मदद करते हैं, या सेवरल बहुत सारे डिजीज़ को ख़त्म करने के करने में मदद करते हैं, ठीक है। जैसे लक्सांगती अभी हमारे यहाँ पे हमारे अभी वर्ल्ड में ऐसा एक वायरस फैला हुआ है जैसे COVID-19 करके, कि जो इस वायरस के ख़िलाफ़ जो है WHO बहुत ज़्यादा अभी एट द प्रेजेंट सिनेरियो में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं ताकि ये जो वायरस जो है ख़त्म हो जाए, ताकि लोग जो है इसमें मतलब इसके अगेंस्ट जैसे वैक्सीन ढूंढने में या वैक्सीन को खोज करने में मदद कर रही है, या इसमें डिजीज़ को मतलब किस तरह से ये लोग वायरस से किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं, किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इसको किस तरह से हम एरेडिकेट कर सकते हैं ज़रे को, इस चीज़ में बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रगल कर रहे हैं अक्सर से टाइम पर आना सोरा। सो WHO जो है मेनली किस चीज़ से कंसर्न है, जैसे यहाँ से एजुकेशन ज़्यादातर किस कंसर्निंग हेल्थ प्रॉब्लम, जो भी मतलब हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं उसके अगेंस्ट जो है या उसके कंसर्न में एजुकेशन देना, प्रॉपर फूड सप्लाई एंड न्यूट्रिशन, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, ठीक है, और दोनों इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट डिजीजेज, जैसे की ये जो वायरस है इसके अगेंस्ट क्या कहते हैं वैक्सीन ढूंढने में बहुत कोशिश कर रहे हैं WHO, ठीक है, वर्ल्ड के बहुत सारे मतलब ऑर्गेनाइजेशन के साथ एजेंसीज के साथ मिलकर, ठीक है। सो इसके साथ साथ जो है ये क्या करते हैं अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस के और प्रोविजन ऑफ एसेंशियल ड्रग्स, ठीक है। सो ये सब है WHO के मेन इम्पॉर्टेंट फंक्शन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट एजेंसी है यूनिसेफ, द यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एमरजेंसी फंड, ठीक है। तो यूनिसेफ जो है कब सेटअप किया गया, इन 1946 में, और इसका हेडक्वार्टर जो है न्यूयॉर्क में है। यूनिसेफ प्रोवाइडेड, यूनिसेफ का मेन मकसद क्या है, ये क्या करते हैं चिल्ड्रंस को ज़्यादा स्पेशली द चाइल्ड, ये जो है चाइल्ड केयर में, जैसे कि स्पेशली द हेल्प चिल्ड्रन, जो भी मतलब जो नीडेड चिल्ड्रंस है या जो मिसाल हेल्पलेस चिल्ड्रंस है उनके मदद करते हैं हमेशा, चाहे वो किसी भी रेस से हो, किसी भी रिलीजन से हो, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ द रेस एंड द रिलीजन, ये क्या करते हैं चिल्ड्रंस के मदद करते हैं, जिनको जो नीडेड चिल्ड्रंस होते हैं, जिनके मतलब जो बच्चे जो है जैसे कि होमलेस होते हैं, पुअर होते हैं, इलिटरेट होते हैं, या जो बीमार होते हैं, ठीक है, ऐसे नीडेड चिल्ड्रंस के ये लोग मदद करने की कोशिश करते हैं, मदद करते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर को फील्ड पे लास्ट बात सुख इन द फील्ड ऑफ हेल्थ जरे, न्यूट्रिशन जरे एंड एजुकेशन में, ठीक है, बच्चों के रिगार्डेड ये लोग क्या करते हैं, बच्चों के रिगार्डेड हेल्थ के फील्ड में या न्यूट्रिशन के या एजुकेशन के फील्ड में ये लोग क्या करते हैं काम करते हैं। और इट प्रोवाइड, ये क्या करते हैं जो हमारे नेशंस होते हैं या मेंबर नेशंस हो या बाकी अदर नेशंस हो, उनमें ये लोग असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, ताकि वो लोग वेलफेयर सेंटर्स जो है बच्चों के लिए या यंग मदर के लिए ऐसे वेलफेयर सेंटर्स चला सके, उसके लिए ये लोग असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। इट ऑल्सो हेल्प मेडिसन टू न्यू बॉर्न बेबीज़ एंड मदर्स, ठीक है, न्यू बॉर्न बेबीज़ एंड मदर्स के लिए मेडिसन्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो मतलब यूनिसेफ जो है, जैसे आप यूनिसेफ के लोगों में देखेंगे कि इसमें जो है एक मदर और बेबी जो है बनाया गया है, जैसे बीच में आप लोग देखेंगे तो इसका जो है मेन मकसद क्या है कि ज़्यादातर स्पेशली ये लोग किस चीज़ में ज़्यादा हेल्प करते हैं या किस चीज़ में इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करते हैं, जैसे नीडेड चिल्ड्रंस और जो मदर होते हैं, जो यंग बेबीज़ जो बॉर्न बेबीज़ होते हैं, उनमें जो है उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, उनको मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, इन चीज़ों में ज़्यादा इन फील्ड्स में ये लोग ज़्यादातर काम करते हैं, ठीक है। और यूनिसेफ वाज अवार्डेड द नोबेल पीस प्राइज थोबिनसुक इन 1956 में, ठीक है। तो ये जो तीन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट एजेंसीज है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया यूनेस्को, WHO और यूनिसेफ। तो यूनेस्को का मैंने आप लोगों को बताया कि यूनेस्को जो है मेनली
किस चीज़ में काम करते हैं, एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर में, ठीक है। और WHO क्या करते हैं, जैसे कि वर्ल्ड में जो डिजीज़ होते हैं यानी सेवरल डिजीज़ को एरेडिकेट करने में मदद करते हैं, ठीक है। और जैसे यूनिसेफ का मेन मकसद क्या है, जिस मतलब कि यूनिसेफ जो है जो नीडेड चिल्ड्रंस होते हैं रिगार्डलेस ऑफ रेस या रिलीजन, उनको हमेशा मदद करते हैं उनके, और जो इन द फील्ड ऑफ हेल्थ में, न्यूट्रिशन में और एजुकेशन में, स्पेशली फॉर द चिल्ड्रंस के लिए सुरा। और ये लोग न्यू बॉर्न बेबीज़ और मदर के लिए मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो है तीन मोस्ट इम्पॉर्टेंट एजेंसीज है यूनाइटेड नेशन का, ठीक है। अब और एक इसमें इम्पॉर्टेंट दिस एजेंसी ILO, ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है ये एक स्पेशलाइज एजेंसी है यूनाइटेड नेशन का, 1946 में ये सेटअप किया गया है। तो इसका मेन मकसद है सोशल जस्टिस एंड इम्प्रूव कंडीशन ऑफ लेबरर्स, ठीक है। जैसे आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा कि हमारे पास्ट में बहुत सारे ऐसे बॉन्डेड लेबर्स होते थे, जरे थोड़ा उदी बॉन्डेड लेबर ऊंची बस सिखों जगह जगह खैर बद पिंसुक और शाम सिखों का जुल्म बद पिंसुक जरे उदी चीज़ उन्हें पढ़ाया था पहला ना हिस्ट्री छोरा। तो ये लोग क्या करते हैं, जो लेबरर्स होते हैं जो काम करते हैं जो है छोरा, इनको जो है सोशल जस्टिस और इनके कंडीशन को इम्प्रूव करने में इनका मेन इनका ये मकसद है कि टू प्रमोट सोशल जस्टिस एंड इम्प्रूव कंडीशंस ऑफ द लेबरर्स। और इनका जो है यंग फंक्शन चिक्चिकों उसके बाद जो कि एरेडिकेशन ऑफ द चाइल्ड लेबर, यानी चाइल्ड लेबर को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, या चाइल्ड लेबर को ख़त्म करने के लिए ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स इन्होंने स्टार्ट किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद एजेंसी आता है, ये है FAO, ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका लोगो है। फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन अनदर स्पेशल एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन, ठीक है, सेटअप किया इन 1946 में सेटअप किया गया है इसको। तो इसका मेन मकसद है फाइट अगेंस्ट द पॉवर्टी, माल न्यूट्रिशन एंड हंगर इन द वर्ल्ड, ठीक है। अभी पूरे दुनिया में जो पॉवर्टी है उसके अगेंस्ट या माल न्यूट्रिशन के अगेंस्ट या हंगर के अगेंस्ट जो है ये फाइट करते हैं, इनका ये इनका मेन पर्पस है, मेन मकसद है, ठीक है। तो इसमें जो है इनके मेन ऑब्जेक्टिव इंक्लूड्स, इसके मेन मेन ऑब्जेक्टिव क्या है नहीं, FAO के राइजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल, रेज लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, इम्प्रूव कंडीशन ऑफ द रूरल पीपल, एलिवेट पॉवर्टी, ये जो है इनके मेन मकसद है, ठीक है। इसके बाद आता है वर्ल्ड बैंक, ये वर्ल्ड बैंक का लोगो है। वर्ल्ड बैंक जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट या स्पेशल एजेंसी है यूनाइटेड नेशन का। इनको ये जो एजेंसी है 1946 में सेटअप किया गया है, और इनका है इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन में थोड़ा। और ये जो WHO है, वर्ल्ड बैंक जो है, द वर्ल्ड बैंक द इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है बच्चे, कि वर्ल्ड बैंक क्या करते हैं, हेल्प रेजिंग रेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन द डेवलपिंग कंट्रीज़, ठीक है। ये क्या करते हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज है इसमें जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाने में मदद करते हैं। और ये किस तरह से मदद करते हैं, ये डेवलप्ड कंट्रीज़ के थ्रू एक चैनल बना के वहाँ से जो है हमें, मतलब जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको रिसोर्स या फाइनेंशियल रिसोर्स ज़्यादातर प्रोवाइड करते हैं, ताकि वहाँ पे जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो अच्छे से मतलब बढ़ जाए थोड़ा या अच्छा। नेक्स्ट ये क्या करते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं और बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को जो डेवलप बड़े बड़े प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के बेस पे बने थोड़ा, अंडरटेक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन द फील्ड ऑफ जैसे थे एग्रीकल्चर में, रूरल डेवलपमेंट या एनर्जी या एजुकेशन, हेल्थ, रोड एंड रेलवेज, इन सब में जो है क्या करते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं, ताकि मतलब एक मतलब स्पेशली फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए, थोड़ा कंट्री के डेवलपमेंट के लिए ये लोग क्या करते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं, यानी फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। WHO दिस वर्ल्ड बैंक का यही मेन मकसद है थोड़ा। और फैसिलिटेट बैलेंस ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड,
थोड़ा। और इसके साथ साथ इसमें और भी मतलब ऐसे एजेंसीज है जैसे IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, या UPA है, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, एंड इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इस तरह के बहुत सारे ऐसे एजेंसी है जो अंडर दी यूनाइटेड नेशन के अंडर काम करते हैं एज ए स्पेशलाइज एजेंसी के तौर पर, ताकि पूरे वर्ल्ड में मतलब चाहे सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल डेवलपमेंट जो है अच्छी तरह से हो, थोड़ा फुलफिल ठीक है। तो ये सब है एजेंसीज ऑफ द यूनाइटेड नेशन। और इसके साथ साथ जो है रोल ऑफ स्पेशलाइज एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन, जैसे आपके बुक में नेक्स्ट और एक टॉपिक है, इसको आप लोग थोड़ा सा ओवरव्यू जो है टॉपिक के बारे में आप लोग पढ़ लेना। तो इसके साथ साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है।